अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली अब्बास और आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के न्यू फीचर के बारे में। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पेज पे आपको डीपी शो रही होगी, आपने उसके ऊपर क्लिक करने के बाद अपने अकाउंट नेम पे क्लिक करने के बाद चेक कर सकते हैं, आपके पास ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे दो नंबर ऐड हुए हैं। सिस्टम पार देंगे। अब अगर आपको अपनी शॉर्ट सी वीडियो क्रिएट करनी है तो आपको वॉइस के बटन पे एक बार आप लोगों को टैप करना है। टैप करने के बाद आपके पास वीडियो का बटन छोड़ जाएगा और उसको आप लोगों ने वॉइस की तरह ही प्रेस करके रखना है। तो ये आपके फ्रंट और बैक कैमरे के ऑप्शन आप तो दे देगी, आप लोग इस तरह अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके अगले बंदे को ईजिली सेंड कर सकते हैं। अब आप अपने व्हाट्सएप में भी वोटिंग करवा सकते हैं। आप लोगों ने सिंपली मैसेज के साथ जो आप लोगों का पिन का बटन दिख रहा था उसके ऊपर क्लिक करने के बाद लास्ट ऑप्शन पूल पे आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपने क्वेश्चन और ओपिनियन लिख लेने हैं। उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट ऐसा मिलेगा और आप लोग देख सकते हैं कि वोट कितने बंदों ने किस ओपिनियन पे दिए हैं। तो फ्रेंड, व्हाट्सएप के अंदर ईमेल और पास की भी आ चुकी है। अब आप लोग टू स्टेप वेरिफिकेशन के साथ इनका भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपली अकाउंट में जाने के बाद देख लेना, आप लोगों को पास की और ईमेल दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग इन्हें लॉगिन कोड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर अपनी ईमेल डाल के सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को पास की का भी पता चलो, पास की आप लोग स्क्रीन लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, फेस लॉक भी यूज़ कर सकते हैं और स्क्रीन फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा दूँ, पास की पर जाने के बाद क्रिएट अ पास की पर क्लिक करके आप लोग कोई भी ऑप्शन को चूज़ करके आप लोग भी इसके बी में फीड कर सकते हैं और ये आपके सिक्योरिटी जैसे पासवर्ड मैनेजर के अंदर सेव होता है इस तरह सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग पहले शेयर किया करते थे फोटोज़ और वीडियोस जो वन टाइम ओपन होती थी, उसी तरह आप लोग वॉइस भी वन टाइम सेंड कर सकते हैं जो अगला बंदा सिर्फ एक बार ही रीड सुन सकेगा, उसके बाद उसके पास ये दोबारा ओपन नहीं होगी। जैसे कि मैंने ये वॉइस सेंड की है तो मेरी तरफ शो हो रहा है कि अगले बंदे की तरफ सेंड कर दी गई है और अगले बंदे की तरफ कुछ इस तरह शो होगी जब वो ओपन कर लेगा और दोबारा वो इस वॉइस को नहीं सुन पाएगा। तो यहाँ पर मेरी तरफ भी शो हो रहा है कि उसने ओपन कर ली और वो अब दोबारा नहीं सुन सकता। अब आए ना लाइन पे। जो लोग अपनी फ़ोटो प्रोफाइल पे लगाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं लगा पाते, उनके लिए एक ऑप्शन है। आप लोगों ने चले जाना है अवतार वाले ऑप्शन पे, क्रिएट योर अवतार पे जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने क्रिएटेड गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना और आप लोगों ने अपनी स्किन का कलर चूज़ कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने हेयर स्टाइल कस्टमाइजेशन में आप लोगों को हर ऑप्शन मिल जाएगा, हेयर स्टाइल कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, ड्रेसेस के। आप लोगों ने अपने हिसाब से जैसे आप लोग अपने आप को मेंटेन रखते हैं वैसे आप लोगों ने यहाँ पर अपना अवतार मेंटेन कर लेना है, जिसको आप लोग प्रोफाइल फ़ोटो पर लगा सकते हैं। तो आप लोग ऐसे लगेगा जैसे आप लोगों की अपनी जो फ़ोटो है वो लगी हुई। लेकिन यहाँ पर मैं बॉय का एक आपको अवतार क्रिएट करके शो करवा देता हूँ और यहाँ पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर अवतार बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने एक सिंपल अवतार बना लिया है और अगर प्रोफाइल पे लगाना है तो मैं सिंपली क्लिक करूँगा क्रिएट प्रोफाइल फोटो। ओह यार यार, ये कितनी ऑसम है यार। दोस्तों, व्हाट्सएप की नई अपडेट के अकॉर्डिंग हम लोग अब एक व्हाट्सएप जो है चार डिवाइसेस और अपने एक मोबाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट। मतलब कि जब हम लोग उसको लॉगिन करेंगे या अगर फॉर एग्जांपल आप कह लें कि आप लोगों ने कंप्यूटर में लॉगिन किए हुए हैं चार, तो जब आपका मोबाइल ऑफलाइन है तो आप कंप्यूटर ऑन करके जब व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो वो आपका ओपन हो जाएगा, आपको लॉगिन करने की या स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर हम लोगों ने एक पूरी प्रॉपर वीडियो बना दी है, आप लोगों को लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।